कल देर शाम एएनटीएफ की टीम कांगड़ा चंबा यूनिट द्वारा गुरदीप राज निवासी नंगल कोटली गुरदासपुर से मोटरसाइकिल पर से 29.30 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया था, जिसके चलते डमटाल पठानकोट नेशनल हाईवे के हिलटॉप मंदिर के पास पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी थी कि देर रात कुछ अज्ञात लोग एक गाड़ी में सवार होकर आए तथा उन्होंने एटीएफ के एएसआई करतार सिंह तथा हेड कांस्टेबल रोकी कुमार के साथ मारपीट करके आरोपी तस्कर को छुड़ाने की कोशिश की, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत डमटाल थाना में दी तथा मात्र 5 मिनट के अंदर ही डमटाल पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा कुल 6 लोगों को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 अज्ञात लोग भागने में सफल हो गए जो कि बाद में पकड़े गए। आरोपियों में पकड़े गए नशा तस्कर गुरदीप राज का भाई प्रदीप राज, रिंकल कुमार सुपुत्र केदारनाथ, स्वरूप कुमार सुपुत्र हंसराज, राहुल कुमार सुपुत्र बाल किशन तथा सुदेश कुमार सुपुत्र अमरचंद, एएसआई पंजाब पुलिस जो कि विजिलेंस गुरदासपुर में तैनात है तथा दिलबाग सिंह हेड कांस्टेबल इंटेलिजेंस स्टाफ गुरदासपुर के तौर पर इनकी पहचान हुई है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 353, 332, 225 के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। आज इन सभी आरोपियों को माननीय अदालत में पेश किया गया, यहां उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। नूरपुर के डीएसपी विशाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि डमटाल में एनटीएफ की टीम ने चिट्टा तस्कर को पकड़ा था, मगर कुछ देर बाद कुछ लोग डमटाल पुलिस थाना पहुंच गए, जिनमें से ज्यादातर पंजाब के रहने वाले थे तथा 2 पंजाब पुलिस के कर्मचारी भी शामिल थे। उन्होंने पुलिस थाना डमटाल में पहुंचकर पुलिस के साथ हाथापाई कर तस्कर को छुड़वाने का प्रयास किया। डीएसपी ने कहा कि सूचना प्राप्त होते ही एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स थाना डमटाल में भेजी गई तथा 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है तथा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये एएनटीएफ कांगड़ा की जो यूनिट है, उन्होंने एक चिट्टा तस्कर वहां पे पकड़ा था डमटाल के पास, तो उसमें हमें बाद में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि कुछ लोग वहाँ पे आके हाथापाई कर रहे हैं और उसको जबरदस्ती वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमारी पुलिस टीम भी वहाँ पे गई, उसको वेरीफाई किया गया और इसमें पंजाब के कुछ व्यक्ति वहाँ पे आए थे जिन्होंने हमारी टीम के साथ हाथापाई की है। उनमें से 6 व्यक्ति को जो है वो हमने अरेस्ट कर लिया है और उनके ऊपर केस दर्ज करके पुलिस थाना डमटाल में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि उनमें से जो है 2 जो कर्मचारी हैं पुलिस कर्मचारी थे, तो क्या ऐसा है? उनमें से 2 कर्मचारी जो है पाया गया है कि वो पंजाब पुलिस में कार्यरत है। अभी हम इसकी इंटीमेशन वहाँ पे उनके डिपार्टमेंट को कंसर्न को भेजेंगे और आगे उनके ऊपर जो भी कार्रवाई बनेगी वो पंजाब पुलिस द्वारा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के लिए नूरपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।